इतने कोड को पहले ज़रा लोकली पहले तो रन करके देखते हैं। सेवेंटीन npm run dev, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये लास्ट वाले फोल्डर की कॉपी है तो ऑब्वियसली चल तो ये रहा होगा, लेकिन हमने असल में देखना क्या है कि इसमें कोई मतलब लॉगिन वॉगिन छोटा मोटा चला के देख लेंगे, दैट्स इट। वैसे तो आइडियली हमें होना ही चाहिए था कि हम पूरे टेस्ट केसेस लिखते, लेकिन वो पूरे हमने नहीं लिखे, थोड़े बहुत लिखे हैं। अच्छा, तो ये सर्वर मेरा चल गया, और दूसरा मैंने क्या चलाना है अब, इसका फ्रंट एंड चलाना है, ठीक है। npm cd web, पहले तो npm start, सही है, ये इसका चल गया फ्रंट एंड। हमारा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है अभी, और इसको दोबारा से चलाते हैं, npm run dev और npm start, ठीक है जी, ये चल गया हमारा। अब हमारा सिस्टम बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ठीक है जी। कॉन्सोल पे हम आ जाते हैं, इस वक्त ये एक API मैंने कॉल की हुई है जो 401 देती है, इट मीन्स बंदा लॉगिन नहीं है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको पासवर्ड देता हूँ तो ये लॉगिन हो जाता है। अच्छा, ये लोकल मेरे पास ये चल रही है अब इस वक्त, इसमें कोई पोस्ट लिख के डालता हूँ मैं, तो होपफुली ये पोस्ट भी चली जाएगी यहाँ पर। बस एक दो छोटी छोटी चीज़ें चेक करके फिर हम आगे बढ़ाते हैं उसको, ठीक है। ये वाली फ़ोटो तो मैं डाल चुका हूँ, कोई दूसरी डालता हूँ, ये वाली डालता हूँ। इसमें मसला हो गया इसको, ये क्या मसला हो गया इसको, हाई इमेज का साइज तो सही था, ये वाला 6 KB है भाई, 6 KB है इमेज का साइज, सही है। कोई पीछे गड़बड़ आई है हमारे सर्वर में, ये रहा, न्यू क्लाइंट कनेक्टेड विद आईडी दिस दिस दिस, एरर स्टेटस कोड, ये क्या चीज़ है यार, रिक्वेस्ट डज नॉट कंटेन वैलिड सर्वर टोकन। अच्छा, वो तो इनवैलिड API की मतलब, नहीं ये कौन सी इनवैलिड API की, आई थिंक वो जो हमने वो किया है ना इसमें फायरबेस पे अपलोड जो किया है, वो कौन से में, पोस्ट वाले में ही था ना, आई थिंक यहाँ जो हमने फायरबेस पे अपलोड किया वो उसका की भी कुछ एक्सपायर हो गई है, ये वाली, ये एक्सपायर हो सकता है बिल्कुल, पीछे हो सकता है मैंने ऐप वैप डिलीट मार दी हो। यार ये बता भी तो नहीं रहा कि कौन से वाले फाइल में ही आया है, 401 स्टेटस कोड 10। चलो एक दफ़ा और इसको हिट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी वाली API पे ये हिट होता है, ठीक है। ये पब्लिश पोस्ट दबाता हूँ मैं जब हिट होता है ये, अरे नहीं पब्लिश पोस्ट तो हो गया इस बार, पहले क्या हुआ था इसको अचानक से, नहीं सही हो गया, ये पोस्ट भी हो गई। वेल, कोई छोटा मोटा ग्लिच था, नो प्रॉब्लम। इसको अगेन मैंने रिफ्रेश किया, सब कुछ ओके चल रहा है, और किसी एक को पोस्ट को मैं डिलीट भी कर देता हूँ, इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट हो गया, गायब हो गई। अच्छा, अब हम क्या कर देते हैं, इसको जो है ना वो कर देते हैं, क्लाउड पे भी पुश कर देते हैं। क्लाउड पे पुश करने के लिए मैंने इसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनाई हुई थी, दैट इज़ कॉल्ड ये app.yaml, ठीक है। SMIT डेमो के नाम से इसको मैं पुश करने लगा हूँ, तो मैं इसको रोकता हूँ। अच्छा, फ्रंट एंड की मुझे बिल्ड बनानी पड़ेगी, राइट। npm रन बिल्ड, सूडो भी इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि ये फाइल बनाता है। लब सज
सही है जी। और एक दफ़ा इसको हम चला के भी देख लेते हैं। एन पी एम रन डेव चलाता था ना मैं पहले, अब यहाँ पे मैं एन पी एम स्टार्ट लिखूंगा तो ये प्रोडक्शन में चलेगा। एन पी एम स्टार्ट प्रोडक्शन होता है, राइट? ठीक है, एन पी एम स्टार्ट में यहाँ आके मैं लिखूंगा 5002, तो ये मैं प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे चला के देख रहा हूँ, ये मैंने प्रोडक्शन में चलाया है। ठीक है, प्रोडक्शन में आके मैं भरता हूँ, एक को लाइक कर देता हूँ मैं और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये लाइक काउंट हो गया। इट मीन्स ये प्रोडक्शन में भी सही चल रही है। अब मैंने अगला काम क्या करना है, इसको एन पी एम रन डिप्लॉय चला देना है। डिप्लॉय की स्क्रिप्ट ही नहीं है, ऐसा कैसे यार? डिप्लॉय की स्क्रिप्ट क्यों नहीं है? यहाँ पर डिप्लॉय की स्क्रिप्ट होनी चाहिए ना। क्या कमांड लिखते थे हम डिप्लॉय के लिए यार? जी क्लाउड डिप्लॉय क्या लिखते थे यार? जी क्लाउड इनिट तो चला हुआ है, कब का चला हुआ है वो तो देख लेता हूँ क्या था वो जो ये लिखते थे जी। डिप्लॉय की जो कमांड है ना वो ये सही है, जी क्लाउड ऐप डिप्लॉय और माइनस माइनस प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट का नाम। सही है, प्रोजेक्ट कौन सा था, जो भी था प्रोजेक्ट ये खुद ही समझ लेगा। अभी प्रोजेक्ट का नाम फ़िलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जो हमने लास्ट आई एम नॉट श्योर कि कौन से वाले पे मैंने डाला था इसको, बट जिस पे भी डाला था वो, अरे यार परमिशन नहीं मिली, इसको सूडो करके देना पड़ेगा। रीड मी स्टोरी इस तरह करके कोई था, ये सिविल टेम्पो था ना, इसके ऊपर हम डिप्लॉय करते थे। ठीक है, ये उसको पता है पहले से कि कौन सा वाला है, ये इसलिए पता है इसको कि इसने कुछ यहाँ पे फाइल ना छुपा के भी बनाई होती हैं, कुछ केशे वेशे में रखा हुआ होता है इसने। तो ये क्या हो गया, मेरा क्लाउड पे डिप्लॉय हो गया। अब जिसको ये वाली चीज़ समझ नहीं आई ना ये कैसे हुआ है, तो जहाँ पे मैंने गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय करना बताया था वो वाला पार्ट देखना पड़ेगा उसको, तो उसको समझ आ जाएगा कि ये क्या हुआ है। सही है, ये पूरी ऐप उठा के मैंने क्लाउड पे भेज दी। अब वंस मैं जैसे ही इसको क्लाउड पे भेज दूंगा तो फिर ये वाला जो यूआरएल है ना, ये यूआरएल होगा मेरा पूरा का पूरा, ये यूआरएल मेरी ऐप होगी, राइट? अभी वो मुझे यूआरएल वैसे दे भी देगा, ये यूआरएल, सॉरी पहले मैं गलत यूआरएल था, ये वाला यूआरएल जो है ना ये मेरी पूरी की पूरी ऐप होगी। ये क्या सीन है, ऐप इज रनिंग ओके क्यों आ रहा है? पहले मैंने क्या ऐप इज रनिंग ओके लिखा हुआ था सिर्फ ओके है इसमें। अच्छा, हाँ नहीं वो पहले मैंने कुछ और किया था शायद, समझ गया मैं। ये बिल्ड की फाइल में ऐसे भेजता हूँ ना, स्टैटिक सर्वर। चलो गया ये मेरा भाई, क्या हो गया क्लाउड पे डिप्लॉय होने के बाद, ये क्या हो गया, चल गया क्लाउड पे डिप्लॉय होने के बाद। इसको ज़रा मैं एक दफ़ा चला के देखता हूँ। 1 2 3 4 5 ये था ना, पता नहीं यार रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। कोई बताओ यार, कोई इसका क्रेडेंशियल बताओ, अकाउंट बना हुआ है ना तुम्हारा, कोई बताओ। जम्बो वाला, जम्बो एट द रेट DUMBO.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। क्या बात है जी, ठीक है जी। इसमें कोई पोस्ट नहीं है जम्बो डम्बो में? हाँ सही, आ गया आ गया। एरर्स इसमें काफ़ी सारे आ रहे हैं बाय द वे, लेकिन मोस्टली जो ये एरर्स हैं ना वो इमेज के हैं, कि कुछ इमेजेस हमने जब डिप्लॉय करते हुए ना, कुछ इमेजेस यहाँ पे हमने डाली थी और वो हमने उधर जाके उसको डिलीट कर दिया था ना, उन इमेजेस को डायरेक्ट बकेट से जाके। अच्छा वो ये इन पोस्टों को ही डिलीट कर देता हूँ यार मैं, ये पोस्ट जो है ना वो हो रही हैं। ठीक है, अभी एरर आना बंद हो जाएंगे क्योंकि वो वाली मतलब पुरानी चीज़ें थी ये। अच्छा वो आना बंद हो गई। अच्छा अब क्या मसला हुआ है इसको, वो सॉकेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा। सॉकेट क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहा, नेटवर्क में जाके देखता हूँ मैं। सॉकेट क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, कैंसल्ड कैंसल्ड कैंसल्ड, ओके गॉट इट।
सॉकेट एक कनेक्ट हुआ है, दो जो हम क्या करते थे, जब कंपोनेंट री रेंडर होता था तो पुराने वाले वो कैंसिल करवाते थे ना, तो वो उसकी वजह से यहाँ पे शो कर रहा है, एक्चुअली वो कैंसिल नहीं हुआ है, वो कनेक्टेड है। एक ही है फिनिश्ड और एक ये है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पहले कनेक्ट हुआ था, उसके बाद ये री रेंडर के बाद ये फिनिश्ड वाला है। अच्छा, ये दोबारा री रेंडर हुआ है समहाउ, तो वो दोबारा एक दफ़ा कनेक्ट डिसकनेक्ट होके कनेक्ट हुआ है, ठीक है। बट आई एम नॉट श्योर कि वो फिनिश करने पे यहाँ पे क्यों उसको एरर एज अ एरर शो कर रहा है। यहाँ तो एज अ एरर शो नहीं करना चाहिए उसको। हमने ही कोई मिस्टेक की होगी कहीं पे, हमने एरर को सही तरह कैच नहीं किया होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।